नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। खटीमा में रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों का नुकसान। डीजीपी अशोक कुमार का रुद्रपुर सिटी क्लब में जनसंवाद कार्यक्रम। रामनगर पहुंचे वन मंत्री, लोगों ने किया स्वागत। खटीमा में हत्या के आरोपी दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंपावत में सीएम धामी ने कुमाऊनी भाषा में मांगे वोट। पिथौरागढ़ में एशियन सत्कर्मा मिशन के तहत शुरू हुआ अनेकता में एकता का संदेश, भारत जोड़ो अभियान। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज रुद्रपुर सिटी क्लब में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने डीजीपी के समक्ष ट्रैफिक जाम, सीपीयू के चालान प्रक्रिया और आवारा मवेशियों से परेशानी आदि के साथ ही अन्य समस्याएं भी रखी। इसके अलावा खनन पुलिस कर्मियों के 4600 रुपए ग्रेड पे आदि के मुद्दे भी छाए रहे। कार्यक्रम में सीपीयू का मुद्दा जमकर सामने आया। हर जनप्रतिनिधि ने सीपीयू से हो रही परेशानी का जिक्र किया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सीपीयू केवल चालान काट कर सरकार का राजस्व बढ़ाने का कार्य कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये उत्तराखंड में जो एक अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला है पुलिस का, क्या ये लगातार जारी रहेगा? देखिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में। हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं और देश में आप जानिए डाटा वाइज भी उत्तराखंड देश के सबसे कम अपराध वाले क्षेत्रों में से है। और किसी भी अपराधी के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। अगर वो यहाँ अपराध करता है तो उसे हर हालत में जेल भेजा जाएगा और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। और अगर वो भागा हुआ है तो उनकी कुर्की करा करके उनके अगर नाजायज कब्जे के मकान है वो सब भी जरूर ध्वस्त किए जा सकते हैं। परंतु जैसा मैंने कहा, उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सर, इसके अलावा लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। कुमाऊँ की बात करी जाए तो पिछले कुछ दिनों में हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है, उधम सिंह नगर में भी लगातार हत्याएं। मुझे मैं अवगत हूँ, मुझे पता है। कभी कभी ऐसा दौर आता है, यद्यपि मैं एक एक घटना को जानता हूँ, कुछ हत्या की घटनाओं में वृद्धि जरूर हुई है पिछले 15-20 दिन में। परंतु अच्छी बात यह कि वो सब के सब वर्कआउट हुए हैं और सब में अपराधी गिरफ्तार किए हैं। सर, सबसे ज्यादा बाजार में अतिक्रमण है, मेन बाजार में लोग दुकान लगाकर ठेलिया फट लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बाजार में बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारा सहयोग करें। जो बाजार हैं, जो सड़कें हैं, वो लोगों के चलने के लिए, गाड़ियों के पार्क करने के लिए नहीं है, नहीं वो व्यापार करने के लिए। सड़कों को कृपया करके खाली रखें, अपने व्यापार का सामान अपनी दुकान के अंदर रखें। सर, 4600 रुपये ग्रेड का मामला चल रहा है, पहले सरकार बनने से पहले भी ये बात हुई थी और पुलिस डिपार्टमेंट के जो परिवार वाले हैं उसमें नाराज भी हैं और आपने भी कहा था कि इसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा, उसमें क्या है? जी, प्रयास कर रहे हैं, पहले भी हमने प्रयास किया, हमारा प्रयास जारी है। प्राइवेट लैंड के जो मामले होते हैं, जो निजी संपत्ति के जो मामले होते हैं, अपनी सरकार जो है कोर्ट कचहरी के मामले बताकर जो फरियादी होते हैं उनको डाल देती है और बाद में यही मामले जो है बड़े अपराध के कारण बनते हैं। पर यहाँ पर जो है, जैसे मंडल स्तर पर लैंड डिस्प्यूट कमेटी बनी हुई है कमिश्नर साहब की अगुवाई में, ऐसे ही जो हीरे लाइट में खासकर उनकी नगर में, यहाँ पर एक कमेटी होनी चाहिए जिनमें कि जो मामले ऐसे हो सुने और सक्षम कार्रवाई कर सके। ऐसे मामले की जमीनों के झगड़े कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ एक प्योरली रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का भी रोल होता है। तो अच्छी पुलिस उसी को मानता हूं मैं जो उसमें तत्काल कार्रवाई करके झगड़ों को निपटाए, जिससे झगड़ा आगे ना बढ़े। हमने बार बार पुलिस को निर्देशित किया है, आगे पुनः निर्देशित करेंगे कि जमीन संबंधित अगर झगड़े में कोई भी पुलिस का रोल है तो उसको तत्काल उसको निभाएं अच्छे से और न कि उसे टाल मटोल ना करें। दूसरा, ये ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, लेकिन महकमे में ये देखने में आ रहा है कि जो थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनमें जो प्रभारी हैं उनमें महिलाओं की संख्या बड़ी कम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर थाने में एक महिला जो है वो हाँ है। सब लोग शाम के चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों करीब लाए। खटीमा में यूपी सीमा पर सुराई जंगल खकरा नाली के पास 24 मई को एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले का खुलासा कर
पुलिस ने हत्यारोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अब जब थाने पर सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति का शव सुरई वन रेंज के अकरा नाले के पास पड़ा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी और थाने से मई महोदय वही पूछ सकी घटनास्थल पर गई। घटनास्थल पर देखा एक व्यक्ति का शव पड़ा है जिसकी शिनाख्त कुलवंत सिंह पुत्र गोपाल सिंह के रूप में निवासी विजयपुर पकड़िया थाना न्यूरिया के रूप में हुई थी। उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था, शरीर खून से सना हुआ था। उसके कुछ समय बाद साथ उसके परिजन मौके पर आए थे। परिजनों में उसकी माँ राजकौर द्वारा थाने पर बयान दिखाई गई। इस पर बया नंबर 128 धारा 342 की पंजीकृत की गई। खुलासे के गिरफ्तारी व अनावरण हेतु उच्चाधिकारी के आदेश पर टीम गठित की गई। जसवीर कौर, जसवीर सिंह पुत्र का नाम जगता गुरमीत कौर पत्नी जसवीर सिंह निवासीगण विजयपुर पगड़िया थाना न्यूरिया को जो अपनी पुत्री पूनम कौर निवासी मिश्रा कॉलोनी न्यूरिया के वहाँ छुपे हुए थे उनके घर से बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त आला लगा और अभियुक्तों के खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए थे। और आज उनको 302 में मान्य न्यायालय पेश किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा काशीपुर में पटाखा बुलेट में इस्तेमाल होने वाले रेट्रो साइलेंसर पर 13 तारीख से लेकर 26 तक अभियान चलाया गया जिसमें कुल 58 चालान किए गए। इस अभियान के तहत 20 बाइकों को साइलेंसर निकाले गए, 20,000 रुपए का चालान एवं 3 गाड़ियों को सीज किया गया। इसी क्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह मेहरा ने बताया कि आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है काशीपुर में जिसमें रेट्रो साइलेंसर को लेकर, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? ये रेट्रो साइलेंसर 13 तारीख से हमारा 15 दिन का अभियान चला था जिसमें कि हमने मतलब तीन बुलेट को सीज की और 20 के रेट्रो साइलेंसर निकाले और ज़्यादा 33 हमने बोर्ड के चलान के लिए भेज रखे हैं और इन गाड़ी के और लगभग हम 60 चलान इन गाड़ी के कर चुके हैं और मेरा गोश में भी करते रहे। पिथौरागढ़ चकोटी में महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय युवा योग ध्यान विज्ञान महोत्सव के आयोजन के तहत रमणीक पर्यटन स्थल चकोटी एशियन स्कूल में कार्यशाला रखी। एकता में अनेकता के कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो अभियान में 24 राज्यों के लोगों ने शिरकत की जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, राजस्थान व अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए सदस्यों ने अपनी भाषा, बोली, संस्कृति साझा की और एकता में अनेकता की मुहिम में हिस्सा लिया है। संवाददाता नदीम पर भी इसकी रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी जो चैनल के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सबका अंतर्राष्ट्रीय इस युवा महोत्सव की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस युवा महोत्सव की जो शुरुआत है वो हमारे NYP के फाउंडर जो इसके डायरेक्टर थे सुब्बा राव भाई जी उनके द्वारा ये रचना दी गई थी और देश विदेश में आज से नहीं लगभग 70 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बीच में हमारे भाई जी का अकस्मात शरीर शांत होने के बाद और 2.5 साल तक लगातार कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पा रहे थे और उनको एक हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मैंने युवा जो हमारी NYP के सदस्य जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है उनसे अनुरोध करके हम लोगों ने सबको 24 राज्यों के लोगों को यहाँ पर बुलाने का एक प्रयास किया ताकि पूरा भारतवर्ष एक सद्भावना यहाँ पर दिखे और एकता में अनेकता में एकता का संदेश लेके जाए और वसुधैव कुटुंबम की भावनाओं को जिसको जागृत करने के लिए यह युवा महोत्सव मनाया गया है। आप लोग 24 राज्य के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए स्वामी जी के सानिध्य में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पटना बिहार से आए हैं और यहाँ हमारे बिहार से
और 33 युवा युवती शामिल हो रहे हैं। और यह जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसमें 24 राज्य के नौजवान आए हैं और देश में जो सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए यह कैंप आयोजित किया गया है। आप आज देख रहे हैं कि जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैल रहा है देश में, अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है इसको दूर करने के लिए, और समाज में सामाजिक समरसता पैदा हो। भारत अखंड भारत है और भारत की पहचान ही है भिन्नता में एकता, और राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कैंप आयोजित किया गया है राष्ट्रीय युवा योजना की ओर से। और डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी पूरे जीवन पूरे विश्व में घूम घूम कर इस तरह के हजारों कैंप आयोजित किए हैं और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आज रामनगर पहुँचे प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर कोई अधिकारी नियम के विपरीत काम करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कई लोग कई सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, जबकि कई अधिकारी उसी जगह पर उनसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो उन सभी लोगों को देखने के बाद उनको हटाने या बनाने का कार्य किया जाएगा। संवाददाता कैलाश उल की रिपोर्ट। अगर तो ये कॉर्पोरेट की ठेकेदार ना हो, उन्नति करे और वहाँ के कभी भी कोई अधिकारी जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जांच कर रही है, सीईसी की दो तीन विजिट भी हो चुकी है और जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार की जांच अलग चल रही है और जिस तरह से आपने देखा कि दो वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें निलंबित भी किया गया है, और यह बहुत स्पष्ट संदेश है कि जो भी नियमों के विपरीत काम करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं करेगी। निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग एक स्वाभाविक वो है और कई लोगों को कई सालों जमे होते हैं, कुछ लोगों के मामले में उनकी शिकायतें होती हैं, कुछ लोग बेहतर काम करने वाले होते हैं जिन्हें बेहतर मौके की आवश्यकता होती है, सभी लोगों को देखने के बाद निश्चित उनको हटाने या बनाने का काम किया जाएगा। कि इसमें तो कब यही है कि देवभूमि के सभी लोगों से निवेदन ये है कि हमारा देवभूमि के सभी लोगों से निवेदन ये है कि जो अतिथि देवो भव का हमारा एक सिद्धांत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको देखते हुए सभी लोग, क्योंकि बिना जन सहभागिता के ऐसी मुहिमों को जीता नहीं जा सकता। ऐसी मुहिम तभी सफल होती है जब जनता भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करती है और अतिथि देवो भव का जो हमारा एक संस्कार है उस संस्कार के अनुरूप चलती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की, क्योंकि पर्यटक प्रदेश बनने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम लोग पर्यटक फ्रेंडली बने, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार हो, उनको लगे कि देवभूमि के लोग जिस जो सम्मान करते हैं, जो सत्कार करते हैं और जिस तरह से उनकी अतिथि देवो भव की भावना है उसको लेकर के जो आने वाला पर्यटक है यही हमारा एम्बेसडर बनता है, यही हमारी बातों को दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। तो इसलिए चाहिए कि हमें तो अतिथि का सत्कार करें, सम्मान करें, और मैं समझता हूँ जो इस तरह की बातें, क्योंकि दो चार पैसा ज्यादा लेने से गरीब आदमी बड़ा नहीं बन जाता। खटीमा में देर रात पीलीभीत रोड पर क्वालिटी स्वीट्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां व पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगभग 6 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये रात हमें 1:25 पे सूचना मिली थी, जिससे हमारी गाड़ी रवानी हुई थी यहाँ से। ज़्यादातर लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी जहाँ तक ख्याल है। तो हमारी जैसे एक खटीमा की गाड़ी गई है, उसमें फिर आग ज़्यादा थी, तो हमने दो गाड़ियाँ सितारगंज, एक गाड़ी बनबसा और एक गाड़ी तनकपुर से मंगाई गई। कम से कम 1 बजे से हम 6-7 बजे तक पूरी मकसद आग बुझाई है। जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसा दुकान मालिक ने बताया है कि 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है। अभी इसको जांच करी जाएगी, इसके बाद बताया जाएगा। Thank you.
चंपावत उपचुनाव में जनता से समर्थन जुटाने के क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ोला क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और उनसे मैंने केवल अनुशासन ही सीखा है। इन दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से कुमाऊनी भाषा में संवाद स्थापित करते समय 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र जा मतदान करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। तो कैलाश दल रात में जो प्रस्ताव बीच में मैंने सपन बता दिया, फिर मल्ली बैठे ने उन्हें कह के अगर तुम्हारी इच्छा है इच्छा ठीक अगर देखे ऐसे ना देखे सीट में सपन लगे पत्तो करे ऐसे ना। लोहाघाट में बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव का आंगनवाड़ी केंद्र व उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अक्टूबर माह में आई भीषण आपदा से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गया था। गल्ला गांव के इस क्षेत्र को भूवैज्ञानिकों ने भी डेंजर जोन घोषित किया था। इसके बावजूद आंगनवाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बाल विकास के अधिकारी सोए पड़े हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ चुका है। इसके बावजूद खतरे की जद में आए आंगनवाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों को पढ़ाना बाल विकास विभाग और प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है, जहां कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। शिफ्ट तो प्राइमरी में गए थे, प्राइमरी भी आपदा में ही है, वहाँ भी कमरे दरार आई है, दो ही कमरे हैं, स्कूल के बच्चे वहाँ हो जाते हैं और आंगनवाड़ी अकेले कहीं और जा नहीं सकते हम। बारिश आती है तो बच्चों को मना कर देते हैं, हम खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी को इतना खतरा हुआ, आपके कभी भी जो है दरक सकता है, तो इसमें डर नहीं लगती आपको? आपने आपने अधिकारियों से निकाल के यहाँ से शिफ्ट किया जाए? तो घर भी मेरा खतरे में, हमारा तो पड़ोस में घर भी है, घर भी खतरे में ही है, पंचायत घर में ही है। तो आपने अधिकारियों से निकाल के इसको शिफ्ट किया जाए करके आंगनवाड़ी केंद्र को? कह तो रखा ही है, अब सुनवाई तो कुछ नहीं हो रही है। तो मतलब आप जब मजबूर हैं कि खतरे की जद में आए भवन में बच्चों को पढ़ा रही हूँ? पढ़ाना होगा। नाम क्या आपका? मेरा उषा बोहरा। आंगनवाड़ी सहायिका? सहायिका गल्ला गांव। तो ये मेरे संज्ञान में ये तथ्य लाया गया है, तो अभी मेरे बाल विकास अधिकारी को तुरंत ही आदेशित किया जाएगा कि बच्चों का जो आंगनवाड़ी केंद्र है तुरंत और तत्काल प्रभाव से अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए, इस संबंध में ग्रामीणों को बता दें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।